ताज महल भारत के शहर आगरा में वाके एक मकबरा है। इसकी तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में करवाई थी। ताज महल मुगल तर्ज़े तामीर का उम्दा नमूना है। ताजमहल को भारत के इस्लामी फ़न का अमली और नायाब नमूना भी कहा गया है। ताजमहल की तामीर 1648 में मुकम्मल हुई। उस्ताद अहमद लाहौरी को आम तौर पर इसका मैमार ख्याल किया जाता है। मुग़ल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल का मकबरा जो भारत के शहर आगरा में वाक़े है कहा जाता है कि ईसा शेराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। ये इमारत 1632 से लेकर 1650 तक कुल 25 साल में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए और 20,000 मेमारों और मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगे मरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फीट और बुलंदी 200 फीट है। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा सतह ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है। इसकी पुश्त पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फवारे लगे हुए हैं और मुगलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। हर साल इस तारीखी यादगार को 30 लाख अफराद देखने आते हैं। ताजमहल मुगलिया दौर के फन तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी। 2007 में एक बैनुल अक्वामी मुकाबले के ज़रिए तय पाने वाले दौरे जदीद के 7 अजायबात में आगरा के ताजमहल को भी शामिल किया गया।